दिया। आपने फरमाया उसकी बीवी को बुलाओ, उसकी बीवी को लगा बीवी तो उसकी बीवी है, इसके बारे में कोई ऐसी बात बता जो जमाने को खबर ना हो। अलग बाबा जी बड़ा जालिम था, बड़ा जुल्म करता था मुझ पर, रात को मुझे मारता था, पीता था, शराब पी के गालियां देता था। तो बाबा जी तीन काम इसके ऐसे थे जो जमाने की नजरों से ओझल थे। कहा मुझे बताओ। बाबा जी जब रात को शराब के नशे में धुत आता, गालियां देता, फिर ये सो जाता नशा करके शराब पी के। रात को दो एक बजे जब इसको होश आती फिर ये उठता था, ये नहाता, नापाकी नहीं सोता, नहा के पाक होके लेट जाता। फिर जब सुबह तहज्जुद का वक्त होता नमाज नहीं ये पढ़ता था, ये अपनी चार पे उठ के बैठ जाता वजू करके। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहता मौला तू जानता है मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, तेरा नाफरमान हूँ, शराबी हूँ, तेरा मुजरम हूँ, मगर मौला मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते, बस मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। और तीसरा काम इसने ये किया कि मुझे कई दफा फाके से रहना पड़ता, घर में खाने को नहीं देता था, मगर इसने दो यतीम बच्चे पाल रखे थे, ये उन बच्चों को जाके खिलाता, जो कमाता था उन बच्चों यतीमों को खिला देता, मैं भूखी रहती थी। फरमाया बस रब्बे कायनात ने इसी सदके उसको बख्श दिया, कई यतीमों के सर पे हाथ रखता था। दोस्ताने मोहतरम,